पेगासस कथित जासूसी मामले में मंगलवार 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सोशल मीडिया पर बहस से बचने की हिदायत दी। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सारी बहस अदालत में होनी चाहिए, आप समानांतर बहस ना चलाएं, अनुशासन बनाए रखें। इंडिया टुडे के मुताबिक चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम सभी की ओर से यह संदेश है, याचिकाकर्ताओं में से जो भी मीडिया के सामने या सोशल मीडिया में कुछ कह रहे हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो अदालत में पूर्ण विश्वास के साथ हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी देंगे। कोर्ट ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर भी इस मसले को लेकर बहस की जा रही है, सारी बहस अदालत में ही होनी चाहिए। अगर याचिकाकर्ता सोशल मीडिया पर ही बहस करना चाहते हैं तो ये उन पर निर्भर करता है, हम बहस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आप समानांतर बहस ना चलाएं। कोर्ट ने कहा कि अगर आप यहां आते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि बहस होगी और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, इसलिए हर किसी को व्यवस्था में विश्वास होना चाहिए, सभी को इस मामले में अवसर दिया जाएगा। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ तो अनुशासन होना चाहिए, एक पूर्व मंत्री और एक सांसद के रूप में हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, हम कुछ अनुशासन की उम्मीद करते हैं। इसके जवाब में सिब्बल ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि जब मामला पहले से ही कोर्ट में है तो सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस बीच पेगासस मामले को लेकर जनहित याचिका दायर करने वाले वकील एमएल शर्मा ने अदालत को बताया कि उन्होंने अपनी याचिका में सुधार कर लिया है, दोबारा दाखिल भी कर दिया है। एमएल शर्मा कोर्ट में बहस करना चाह रहे थे लेकिन कोर्ट ने कहा कि अभी हम सुनवाई नहीं कर रहे हैं, अब 16 अगस्त को आगे की सुनवाई होगी। पेगासस का पूरा मामला ये है। 18 जुलाई को दुनिया के 17 अखबारों पोर्टल्स पर खबर छपी जिस पर भारत समेत दुनिया भर में बवाल मच गया। खबर ये कि इसराइल में सर्विलांस का काम करने वाली निजी कंपनी के डेटाबेस में दुनिया के हजारों लोगों के मोबाइल नंबर्स मिले हैं। इसराइल की इस कंपनी का नाम एनएसओ ग्रुप है और इसके जासूसी करने वाले स्पाइवेयर का नाम है पेगासस। पेगासस का तथाकथित डेटाबेस लीक हुआ और ये सबसे पहले फ्रांस की नॉन प्रॉफिट मीडिया कंपनी फॉरबिडन स्टोरीज और मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल को मिला। इन दोनों ने ये डेटा दुनिया के 17 मीडिया हाउसेस के साथ शेयर किया। इसमें द गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे प्रतिष्ठित अखबार शामिल हैं। भारत से द वायर को ये डेटा मिला। इस डेटा की इन्वेस्टिगेशन को नाम दिया गया पेगासस प्रोजेक्ट। अब धीरे धीरे उन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिनके नंबर कथित तौर पर लीक्ड डेटाबेस में मौजूद हैं। जिन भारतीयों का नंबर अब तक पेगासस के संभावित शिकारों की लिस्ट में बताया जाता है उनमें 40 भारतीय पत्रकारों के अलावा राहुल गांधी और प्रशांत किशोर जैसे लोग भी शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों, बड़े बिजनेसमैन और मोदी सरकार के 2 मंत्रियों के नाम भी इसमें सामने आए हैं। हालांकि खुलासा करने वाली कंपनी का ये कहना है कि लिस्ट में नाम होने का मतलब ये नहीं है कि सभी के फोन्स की जासूसी हुई। भारत में इस मामले को लेकर खासा हंगामा हो रहा है, संसद की कार्यवाही सुचारू नहीं चल पा रही है। पेगासस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 9 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें SIT बनाकर जांच कराने और जुडिशियल इंक्वायरी की गुहार लगाई गई है। सरकार को निर्देश देने की मांग भी की गई है कि वह पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दें। आपके लिए ये खबर लिखी है हमारे साथी रौनक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।